हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नैना बुटीक में। मैं हूं आपका दोस्त सैयद परवेज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहां पर हम फिटिंग वाली पैंट कटिंग करेंगे, जिसका नाप है यहां पर हम आपको बताते हैं, ठीक है। लंबाई है 38.5 इंच, कमर है 34 इंच, हिप है 38 इंच, थाई यह है 24 इंच और बॉटम है 15 इंच। इसी नाप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, हमने कपड़े को उल्टा करके बिछा दिया है, इस तरीके से लगाएंगे एक निशान, लगाएंगे निशान इस प्रकार। और इसकी जो लंबाई है वह है 38.5 इंच, तो हम यहाँ पर 1 इंच लगा लेंगे ऊपर और यहाँ पर 38.5 इंच पे निशान लगा देंगे इस प्रकार। 2.5 इंच देंगे हम यहाँ पर बॉटम में फोल्ड होने के लिए। दोस्तों, अब यहाँ पर बात करते हैं हम लटक की, तो लटक रखेंगे हम हिप के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, हिप है इसकी 38 इंच, 38 का हम 4 भाग करेंगे दोस्तों, तो होता है 9.5 इंच, ठीक है। तो इस यहाँ पर 9.5 का हमने निशान लगा दिया है, पॉकेट का निशान लगाएंगे 7.5 पे, जो फिक्स मुंह रहेगा टांकी बांध के वो रहेगा 6 इंच का, और पॉकेट का यहाँ फैलाव रखेंगे वो रखेंगे 2.5 इंच का। अब दोस्तों, हमने जो निशान लगाया है लटक का यानी आसन का, उस पर हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ पर पॉकेट का लगाएंगे, उसके बाद यहाँ नीचे का लगाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर जो कमर है वो है 34 इंच, तो यहाँ पर लिखेंगे 34, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो हमारी थाई है वो है 24 इंच, 24 का हाफ करेंगे दोस्तों, होता है यहाँ पर 12 इंच, ठीक है। तो 12 इंच में यहाँ निशान लगा देंगे, 1.5 इंच लेंगे फलाई के लिए। अब दोस्तों, हम लेंगे यहाँ पर ये स्केल, इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पर आपको राउंड ज़रूर लेना होगा इस प्रकार। उसके बाद आप यहाँ पर 1/2 इंच का लेंगे सिलाई मार्जिन, 1/2 इंच लेंगे हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन। सिलाई मार्जिन के बाद कमर है हमारी 34 इंच, 34, तो दोस्तों यहाँ पर हम इसका करेंगे 4 भाग, तो दोस्तों होता है यहाँ पर 8.5 इंच, ठीक है। और 1/2 इंच लेंगे हम सिलाई मार्जिन का, जो भी आप मार्जिन लेते हो उतना यहाँ निशान लगा लें और इस तरीके से सीधा करके निशान लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हम 1/2 इंच सामने को डाउन करेंगे, और डाउन करने के बाद यहाँ स्केल लेंगे और इस तरीके से निशान लगा देंगे। आपको यहाँ पॉकेट के निशान से ही डाउन करना है, यहाँ से नहीं करना है, ठीक है। अगर यहाँ से भी कर देंगे तो कोई बात नहीं, मगर आपको यहाँ से करेंगे तो बढ़िया ढाल आएगा। और उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार आपको निशान लगाना है, आप जहाँ से फ्लाई अटैच करेंगे वहाँ पर 2.25 इंच है, ठीक है। 2.25 इंच के बाद अब दोस्तों, हमने जितना यहाँ पर थाई पे नापा था 24 इंच का हाफ करके 12 इंच, वैसी सेम तरीके से आपको यहाँ नापना है और यहाँ पर रखना है 24 का हाफ यानी 12 इंच। तो हम यहाँ पर 12 इंच पे एक निशान लगा देंगे। अब नापेंगे सेंटर का निशान लगाएंगे, सेंटर का 12 का हाफ करेंगे होता है 6 इंच, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो इसका बॉटम है वह है 15 इंच, ठीक है। 15 का हम यहाँ पर इस निशान से 4 भाग कर लेंगे दोस्तों, होता है यहाँ पर 4.25 इंच, और यहाँ पर लगा देंगे 7.5 इंच पे, ठीक है। अब दोस्तों, हम लेंगे स्केल, स्केल के हमने कम राउंड वाली ली है, ठीक है। ये मार्केट में मिल जाती है, आप इसको खरीद सकते हैं, ज़्यादा राउंड वाली नहीं लेंगे। कई जिन्होंने मैंने कमेंट्स में पढ़ा था कल कि इसकी लंबाई पूछ रहे थे, तो मैं आपको हाथ के हाथ नाप के बता देता हूं। दोस्तों, इसकी जो लंबाई है वो 37.5 इंच है, जो मेरे पास स्केल है। अगर आपके पास इससे छोटी स्केल है तो वो सही नहीं होती है, ठीक है। आप इस तरह की स्केल लें, 37.5 इंच इसकी लेंथ है, और इस प्रकार यहां से रखेंगे और निशान लगा देंगे। दोस्तों, इस स्केल से इतना फायदा है कि आपको कोई घुटने का निशान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर आप सीधा सीधा निशान लगा सकते हैं। एक बार में फिटिंग आएगी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। काफ़ी लोग यहाँ पर मुझसे मंगा रहे हैं स्केल, मगर मैं यूँ नहीं भेज पा रहा हूँ, क्योंकि रास्ते में जब मैंने कई लोगों को स्केलें भेजी, कुछ लोगों के पास सही पहुँच गई, मगर कुछ लोगों के पास स्केल टूट गई, तो मेरी स्केल टूट यहाँ पर वापस आ गई, मेरा यहाँ पर नुकसान हो गया, ठीक है। क्योंकि जितने की स्केल लेंगे इतना यहाँ पर डिलीवरी चार्ज चला जाता है भेजने का। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने लगा लिए हैं निशान, निशान लगाने के बाद में यहाँ पर हम इसको कटिंग कर लेंगे।
तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपने सामने कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम इस तरीके से इसको बिछा लेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सामने को बिछा दिया है। सामने को बिछाने के बाद में आपको एक तरफ से कपड़ा बचाना है, तो आप इस तरीके से बिछाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कम से कम 4.5 इंच का गैप देंगे सामने से, वो इसलिए कि हमारा सब मार्जिन लूजिंग वगैरह देने के बाद में थोड़ा एक्स्ट्रा बचना चाहिए। अब दोस्तों हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे एक निशान, और एक निशान लगाएंगे यहाँ पर ये आसन वाला यानी लटक वाला, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर अपने सामने से बैक को जो उठाना है वो उठाना है 1.5 इंच, ठीक है। आप यहाँ पर 1.5 इंच उठा सकते हैं। अगर कुछ लोग यहाँ पर जो नीचे सरका के पैंट पहनते हैं वो आप उनको यहाँ पर 1.25 इंच लेंगे, और जो ऊपर बांधते हैं उनके लिए 1.5 इंच लेना होगा, उठाना होगा बैक को। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें हम यहाँ पर सामने की, तो दोस्तों इस तरीके से हमें लगाना होगा निशान मार्जिन का। कमर है हमारी 34 यानी 34 इंच, इसका हम करेंगे 4 भाग, इस मार्जिन वाले निशान से लगाएंगे, ठीक है। वो लगाएंगे 8.5 इंच का, क्योंकि 34 इंच कमर का 4 भाग हो गया 8.5 इंच। 1 इंच लेंगे हम पीछे प्लेट के लिए, 2.5 इंच लेंगे हम सीट जुड़ाई के लिए, जो पीछे सीट में हम तुरपाई करते हैं पैंट की, जब सीट जोड़ते हैं यहाँ पर हम सीट जुड़ाई के लिए 2.5 इंच लेंगे, ठीक है। अब बात करें हम यहाँ पर हिप की, तो दोस्तों बी सेंटर में हमें लगाना होगा एक मार्जिन का निशान। हिप है इसकी 38 इंच, ठीक है। तो 38 का हम 4 भाग करेंगे दोस्तों, होता है 9.5 इंच। इस तरीके से लगाएंगे निशान, 1/2 इंच देंगे लूजिंग, और उसके बाद हम इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। और दोस्तों उसके बाद क्या करना है, फिटिंग की पैंट में ये मैं हर कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो ज़रूरी होते हैं, उनको मैं बहुत ही तसल्ली से समझाता हूँ। जैसे आपकी जो फिटिंग की पैंट है वो आपको इस सामने से जो बैग में रखना है वो 2.25 इंच रखना है। अगर आपकी पैंट प्लेटो वाली है सादा, जैसे बड़े बूढ़े पहनते हैं लूज पैंट, तो आपको इस सामने से 2.5 इंच रखना होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरी फिटिंग की पैंट है, यहाँ पर मैं रखूँगा 2.25 इंच, और यहाँ पर हम छोटी हो बड़ी हो लूज़ हो या टाइट हो, मैं इसी तरह हर वीडियो में समझाता हूँ। आपको अपने सामने से बैग में जो लेना है वो 1/2 इंच लेना है, मोरी कोई भी आपकी छोटी बड़ी बॉटम नहीं होगा, बिल्कुल फिक्स आएगा। उसके बाद में आपको स्केल लेना होगी, इस तरीके से रखेंगे और आप निशान लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये हमारा एक्स्ट्रा है, इसको करीब इस तरीके से निशान लगाना है। यहाँ पर लेंगे गोलाई इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से हम कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें स्केल से इस तरीके से निशान लगाना होता है, और यहाँ से हम इसे गोलाई दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे निशान लग चुके हैं, अब हम इस पैंट की करते हैं कटिंग। यहां पर हम लगाएंगे कट, और यहां पर कट लगाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज समझा दूं, जो काफी लोगों की यहां पर कभी कभी कमेंट्स आ रही थी कि आप खर्चा काटना नहीं बताते हैं। तो दोस्तों वैसे तो मैं अस्तर डालता हूं, इसलिए मैं खर्चा नहीं बताता हूं काटना। अगर आप पैंट का कपड़ा डालना चाहते हैं पॉकेटों में, और बाकी का इसमें ज्वाइंट करके आप कोई शर्ट वगैरह का या कोई अस्तर वगैरह डालना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आज आपको बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पर सेट में से कपड़ा ये वाला बचा है, उसको हम इस तरीके से उल्टे का एक लगाएंगे निशान, और निशान लगाने के बाद में इस तरीके से चौड़ी एक पतली साइड है, चौड़ी साइड है, ठीक है। इसमें इस तरीके से करेंगे फोल्ड, और पॉकेट की जो हम बड़ी पैंट की लेंथ रखेंगे दोस्तों वो रखेंगे 14 इंच, ठीक है, इस तरीके से। तो 14 इंच हम यहाँ, तो 14 इंच यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं, और इन दोनों पीसों को अलग अलग कर लेंगे। अब हमें क्या करना होगा, इस पीस को सीधा करेंगे, ठीक है। एक पीस में थोड़ी गोलाई आती है, तो इसको यहाँ से हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ से इनको मिला लेंगे, ठीक है, और इस वाले पीस को इसके बराबर कटिंग कर देंगे।
तो दोस्तों हमारा यहाँ पर ही पॉकेट का कपड़ा आ गया, यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे और जॉइंट लगाने के बाद में यहाँ पर हम पॉकेट को कटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से आपको करना है। अब दोस्तों हमारा जैसे बैक पॉकेट है और हमें पैंट के कपड़े की ही डालना है, वैसे तो अस्तर की डालना चाहिए, मगर कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि पैंट के कपड़े की पॉकेट मांगते हैं, ठीक है। तो उनके लिए आपको क्या करना होगा, ये हमारा जो लंबाई में से कपड़ा बचा है तो हम यहाँ से निकाल लेंगे फ्लाई, इसको एक तरफ रखेंगे और यहाँ से हम फुल पॉकेट निकाल लेंगे, बैक पॉकेट पूरी, तो यहाँ से रखेंगे 16 इंच, ठीक है। 16 इंच में हमारी पूरी पॉकेट बन जाती है, तो यहाँ से हम 16 इंच निकालेंगे। अब दोस्तों रह गया हमारा बेल्ट, ठीक है, तो इसमें से हम निकालेंगे यहाँ पर बेल्ट। बेल्ट के लिए काफ़ी कपड़ा हमारा है, अगर हम टिकट पॉकेट भी चाहेंगे तो इसी कपड़े में निकल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से अब ये है हमारी फलाइयाँ, ठीक है, इसमें से हम यहाँ पर फलाई कटिंग कर लेंगे इस तरह। उल्टे सीधे के निशान लगा के रखेंगे, ठीक है, इस प्रकार। तो दोस्तों मैं खर्चा करीब मैंने आपको बता ही दिया है कटिंग करना, इस तरीके से आप खर्चा कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर लुप्पी हो गई हमारी बेल्ट वाली, वो यहाँ से निकाल लेंगे सीधी करके। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।